असल सर श्रीकाल मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सबसे पहले तो तमाम तर व्यूवर्स का और तमाम तर दोस्तों का जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मुझे प्यार भरे पैगाम भेज रहे हैं इंस्टा पे सोशल मीडिया पे मैसेंजर्स पे और फिर बड़ी बात यह है कि यूट्यूब पर जिस तरह आप सब ने मुझे सपोर्ट किया इस मुश्किल वक्त में तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ और अभी भी भी गुजारिश है कि जितने भी आपके आस पास के दोस्त हैं क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी लिस्ट है आपके चाहने वाले एंकरों की जिनको जो है वो मुख्तलिफ़ चैनल से बेदखल कर दिया गया उसमें आप देखें तो समीब रैम को गर्म दे के सदीक जान को डाउन कर दिया गया है जमील को कर दिया गया है इमरान रियाज के हवाले से जो है मैं फिर गुजारिश करूँगा कि उनके लिए दुआ करें हमारे बड़े प्यारे भाई हैं और आज एक तवील अरसा हो गया उनको नामालूम मुकाम पर वो इस वक्त मौजूद हैं लेकिन ये नहीं मालूम कि किस वक्त वो आ सकते हैं हालांकि आज जो है बहुत सारी चीज़ें आनी थी आ, लेकिन आ, साथ साथ अगर बात कीजिए अपने हवाले से भी मैं अगर बात करूं तो बहुत सारी चीजें जो हैं तो वो अगर देखा जाए आ, इस मीडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से तो बड़ा मुश्किल है इस वक्त सर्वाइव करना क्योंकि आपने वो बोली बोलनी है जो आपको हुक्म मिल जाए तो बड़ा मुश्किल है फिर साफियों के लिए और इस वक्त अगर देखें कि जो सूरत हाल है मुल्क में मैं दो चीज़ों पर गुफ्तु करूँगा एक तो जिस तरह शाजिया शाहजमरी और मेरे हवाले से जो मामला आया सोशल मीडिया पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हर तरफ जो है आप जैसे दोस्तों ने और साफ़ी दोस्तों ने चाहे वो इंडिया में है कैनेडा में अमरीका में जहाँ जहाँ साफ़ी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया आज हामिद मीर के हवाले से बड़ी खबर आई कि उन्होंने मेरे हवाले से क्या स्टैंड लिया है उस पर भी गुफ्तू करूँगा और मैंने जिस तरह अपने पहले वीलोग में कहा था कि एक बहुत बड़ा धमाका जो है एक धचका जो है वो सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं वो आ, दे सकते हैं और उन्होंने आज वो आ, धमाका कर दिया अब आने वाले दिन में क्या होगा आ, इस वक्त जो सिचुएशन है क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो जो हालात चल रहे हैं पीपल्स पार्टी नब्बे दिनों का इलेक्शन मांग रही थी आ, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि कैसे कैसे मुख्त केसेस खुलने लगे और जरदारी साहब ने अचानक ऐलान कर दिया और बेउुल बिलाल भुटो का मौक़ भी बदलते देर नहीं लगती और उनका मौफ़ दोबारा बदला है उस पर मैं डिटेल से विलॉक करूँगा वो भी आप मुलाज़ा फरमाना है नवाज शरीफ साहब जो है उसके हवाले से भी खबरें आ रही कि वक्त वो भी पाकिस्तान लैंड कर सकते हैं लेकिन लैंड करने के लिए नवाज शरीफ साहब को सरजमीन पर लैंड अगर करेंगे तो क्या वो लाहौर एयरपोर्ट से सीधा जो है रायन जाएंगे अपने महल में या किसी जेल में सो इस पर मैंने एक डिटेल विलॉग भी किया है लेकिन बहरहाल इलेक्शन का की बातें जो हो रही थी अब लग रहा है कि मतर पार्टी कहीं ना कहीं खामोशी करी सिर्फ इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो आपने देखा है कि हमेशा एक्टिव रही है और तहरीक इंसाफ पर जो मामला चल रहे हैं वो सब आपके सामने हैं कि बड़े बड़े वर्करों को साइड लाइन पर कर दिया गया है एक तरफ हम देखें तो बड़े बड़े लीडर जो हैं जेल में हैं या रुपोश हो चुके हैं अगर आप ऐसे जर्नलिस्ट जो कभी तरीके इंसाफ के हवाले से बात करते थे तो वो भी डाउन कर दिए गए हैं तो एक मुश्किल वक्त है तहरीक इंसाफ पे और हर पार्टी पे एक मुश्किल वक्त जरूर आता है चाहे मैं माजी में जाऊं तो पीपल्स पार्टी पर एक मुश्किल वक्त आया जबकि तमाम तरह मीडिया में उन पर पाबंदियां लगी बहुत लोगों को गिरफ़्तार किया वर्करों को गिरफ्तार किया इसी तरह नवाज शरीफ साहब नाइन्टीज़ में नाइन्टी में नवाज शरीफ साहब के लोगों को जिस तरह गिरफ्तार किया गया नवाज शरीफ साहब के जो है वो फिर जिस तरह यहाँ से दस साल का मामला और दस साल की का, का जो माह हुआ वो फिर यहाँ से चले गए अब हालात ये हैं कि इमरान खान साहब से जो वकील हैं अबूजर न्याजी वो उनकी मुलाकात हुई है और बिरिस्टर अबूजर नियाजी ने जब वकील जब इमरान ख़ान से मुलाकात की और मुलाकात में इमरान ख़ान ने उनसे पूछा कि क्या, क्या सदर साहब जो हैं इलेक्शन के हवाले से वो क्या डेट दे चुके हैं तो उस पर अबूज़र नियाजी साहब ने कहा कि बिल्कुल ऐसी कोई बात इलेक्शन के हवाले से सदर साहब ने कोई ऐलान नहीं किया तो इमरान खान साहब ने हैरानगी का इजहार किया और बरहम हुए गुस्से में आए और कहाँ यह कैसे हो सकता है क्योंकि आईन में जो लिखा है आईनी तौर पर नवे दिनों का इलेक्शन बनता है सो इस पर अबूज़र नियाजी को उन्होंने हुक्म दिया कि मेरा जो पैगाम है ये सदर आरिफ अलवी तक पहुंचाएं उनको कहें कि भाई बहुत हो गया आइन के मुताबिक जो टाइम बनता है वो नवे दिनों का है और आप इलेक्शन की तारीख दें तो अभी अचानक जो है ख़बर आई है और आर्टिकल फोटी एट फाइव के तहत जो ये इख्तियार सदर को हासिल है कि वो तारीख दे सकते हैं इलेक्शन हालांकि आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा गया था आ, 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 सदर की जानब से और सदर की जानब से यह कहा गया था कि आप जो हैं यानी मुझसे मिले लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुलाकात से इनकार कर दिया थी अलग बात थी कि डोनाल्ड ब्लूम से वो मिले इलेक्शन कमीशन क्योंकि अमेरिका है ना भैया अमेरिका बहादुर है तो अमेरिका बहादुर के एक नुमाइंदे से तो वो मिलते हैं लेकिन जो सुप्रीम कमांडर हैं आइन के आइनी तौर पर अगर देखा जाए तो सदर ममलिका जो है वो सुप्रीम कमांडर हैं सुप्रीम कमांडर से मिलने की जसारत ना की इलेक्शन कमीशन ने और उसके बाद फिर आपने देखा कि उन्होंने खत के जरिए पैगाम दिया कि अब ये सदर के नहीं हैं कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकें यह इलेक्शन कमीशन को आईनी तौर पर तमाम तर जो पार्टियां हैं यानी जो इतिहादी जमातें थी पी डीएम और दीगर जमातें वो दे चुकी हैं तो फिर सदर साहब आज का यू ही जो पैगाम मिला है और ईरी बात है इमरान खान साहब ने बरहमी का इजहार किया है और जो पैगाम भेजा है उसके बाद फिर ताकि अगर हम देखें आरिफ अलवी का ताल्लुक भी पी टी आई से है और मैंने जिस तरह अपने पहले भी लोक में कहा था कि वो बड़ा धचका दे सकते हैं तो इस वक्त उन्होंने जो आर्टिकल फोर्टी एट के तहत जो उनका इख्तियार है सदर ममलिकत का उन्होंने इख्तियार अपना इस्तेमाल किया है और जिस तरह आपको याद है कि नौ अगस्त को वजी अजम के मशवरे पर उन्होंने इसम्बलियाँ तहलील की थी सदर ममलिकत ने तो उन्होंने जो नवंबर यानी तारीख नवंबर का टाइम जो है नवंबर तक का टाइम उन्होंने इस बात की यानी तारीख अभी तक तो नहीं दी गई है लेकिन तजवीज़ दी गई 6 नवंबर को इलेक्शन कराना जो है ये आइनी तौर पर यह तमाम तर के फरज में शामिल है अब देखना ये है कि क्या इस तजवीज पर अमल होता है इस हु पर अमल होता है क्योंकि बहुत सारे हुक्म जो हमने देखे उसकी हुक्म अदूली नहीं हुई मुख्तु हुक्म आते रहे और वह कागज के ढेर बनते रहे और वह कागज के ढेर जो है वह किसी कागज एक और जो टोकरी होती है कागज की टोकरी उसी में वो रखे जाते गए और इसी तरह फेंके गए सो अब देखना है कि सदर का यह धमाका कितना वो है और इसी तरह बात करेंगे इस वक्त साफी दोस्त जिस तरह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया जो है मेरे इंटरव्यूज चला रही हैं बड़े बड़े साफी जो हैं है मुझे जिस तरह मेरे हक में ट्वीट कर रहे हैं तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और, और आ, मैं खुश इस बात पर हूं बल्कि बहुत सारे दोस्त जो तनकीद करते हैं तो तनकीद करने का मकसद भी एक ही होता है कि वो मेरी इसलह कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे दोस्त जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो मुझे थपकी दे रहे हैं वो मोटिवेट कर रहे हैं इस बुरे हालात में सो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं आ, हामिद मीर साहब जो है उसके हवाले से खबर आई जो पक्के जो मुखलिरा मेरे पब्लिक न्यूज के मुख्त में कहूँगा वहां से जो खबर मुझे मिली है उसके मुताबिक क्योंकि मैं मॉर्निंग शो करता था पब्लिक न्यूज पे और हामिद मीर साहब को जब इन्वाइट किया गया तो हामिद मीर साहब ने सवाल किया प्रोड्यूसर से कि होस्ट कौन है तो उन्होंने कहा जी मेरे साथ जो मेरी को होस्ट थी सोहावी तो उन्होंने कहा जी सोहा अफजल बैठी है इस वक्त सेट पे तो ने कहा जी को होस्ट कौन है तो ने कहा जी हरमीत सिंह हुआ करते थे अब नहीं है तो उन्होंने कहा कि जब तक हरमीत सिंह को आप वापस नहीं बुलाते बाइजत तरीके से तो पब्लिक न्यूज़ का मैं बाइकार्ट करता हूँ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है एक बहुत बड़ा नाम और साफ़ी मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम मेरे जैसे एक अदना साफ़ी के लिए आवाज़ उठाता है तो मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है और मैं शुक्रगुजार हूँ हामिद मेर साहब का मेरे लिए वो इतना बड़ा उन्होंने इकदाम उठाया कदम उठाया मेरे साथ इस मुश्किल के कि इस घड़ी में खड़े हैं तो मैं उसका भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ इसी तरह जुड़े रहने के लिए देखते रहिए मेरा वीलो